गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू यूनिट विद चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम सिविक्स टेक्स्ट बुक विच इज हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास इन 6th क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट लोकल गवर्नमेंट। इन 7th क्लास वी आर स्टडिंग अबाउट state government, and in next class, 8th class, we will study about central or national government. तो 6th class में हमने क्या पढ़ा था? Local government. 7th में हम पढ़ने जा रहे हैं state government, और next class, 8th class में हमें पढ़ने को मिलेगा central or national government. In this chapter, we will read about गवर्नमेंट, व्हाट इज डेमोक्रेसी, हु इज एन MLA, व्हाट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हु आर मिनिस्टर्स, हु इज चीफ मिनिस्टर, एंड हाउ दे फॉर्म द गवर्नमेंट। किस तरह से वो गवर्नमेंट को बनाते हैं, कैसे हमारी गवर्नमेंट जो है काम करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और क्या उसकी फंक्शनिंग क्राइटेरिया रहता है। इन सब चीज़ों के लिए हम इस चैप्टर को रीड करने वाले हैं। वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर थ्रू ए स्टोरी। इन आवर टेक्स्ट बुक वी मे सी सम पिक्चर्स विद हेडिंग हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऊपर हेडिंग क्या दिया है उस पर, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि किसका दायित्व है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इन द फर्स्ट पिक्चर, हे लुक एट दिस, इट सेज दैट देर इज अ वाटर शॉर्टेज इन अवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक। तो दो लड़कियाँ आपस में बातचीत कर रही हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, और क्या कहती है वो कि देखो यहाँ पे पानी की तंगी हो रही है और हमारे लोग जो है ना बीमार पड़ रहे हैं। इन द नेक्स्ट पिक्चर, इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। कहते काफ़ी सारे गाँव के अंदर ना साफ पानी नहीं मिल रहा है। स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स। पीने का पानी जो है ना ख़त्म हो गया, टैंक सूख चुके हैं। इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर क्रॉस ग्रेट डिस्टेंस। और कई गाँव के अंदर तो ना इतनी बदतर हालत हो गई है, इतनी बुरी हालत हो गई है कि उन्हें दूर से पानी लेकर के आना पड़ रहा है। इन द नेक्स्ट पिक्चर, पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days। तो पातालपुरम का एक डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ का क्या दिखाया गया है कि 3 दिन में एक बार पानी आता है वहाँ पे। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स, ए लार्ज नंबर ऑफ हुम आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया। और वहाँ का जो अस्पताल है, हॉस्पिटल जो है वहाँ का, वो मरीजों से भरा हुआ है जिनमें ज़्यादातर बच्चे हैं और क्या हैं, डायरिया से पीड़ित हैं, उनको डायरिया हो चुका है। इन द नेक्स्ट पिक्चर, ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड 10 people हैव डाइड फ्रॉम डायरिया। इट इज इज दैट पॉसिबल, कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट, कि क्या कोई वास्तव में इससे मर सकता है। हु नोज, जस्ट होप आई डोंट गेट इट। कहते क्या पता हुआ होगा कुछ ऐसा। माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट, शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग। तो वो लड़कियाँ आपस में जा रही हैं बाइसाइकिल के ऊपर अपनी अपनी, और बात कर रही हैं कि मेरी माँ ने ना मना किया था कि बाहर से कुछ नहीं लेना, और उसने मुझे सुबह सुबह इस बारे में एक लेक्चर भी दिया। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ शिन। एंड सेकेंड गर्ल लाफ, तो वो कहती है कि मेरी माँ ने मुझे क्या कहा था कि आप अपनी सेहत के लिए जो है ना खुद जिम्मेवार हैं। दे आर मूविंग फॉरवर्ड एंड इन फ्रंट ऑफ देम ए लेडी पुलिस वुमेन स्टैंड देयर। एक औरत वहाँ पे खड़ी है जो कि पुलिस वाली है, और वो उन्हें इशारा करती है रुकने के लिए, स्टॉप।
दिस रोड इज ब्लॉक ड्यू टू द रैली, दे हैव घिराव द MLA's रेजिडेंस। और वो पुलिस वाली उन्हें क्या कहती है कि ये सड़क जो है ना ब्लॉक की गई है, बंद की गई है रैली की वजह से, क्योंकि ये लोग जो है ना MLA का घर का घिराव कर रहे हैं। रैली, वाई हैज़ ही डन समथिंग, कहती क्या क्या हुआ, रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग, कि उसने कुछ कर दिया है। तो पुलिस वाली हंसती है, हा हा दे सीम मोर एंग्री अबाउट वट ही हैज़ नॉट डन, कहते नहीं नहीं लग तो ऐसे रहे जैसे वो कुछ कर ही नहीं रहा। एंड द नेक्स्ट पिक्चर, एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। तो एक इंसान यहाँ पे माइक लेकर के बोल रहा है, शायद वो कोई अपोजिशन पार्टी का एक लीडर है जो यहाँ पे लोगों को बता रहा है कि अथॉरिटीज़ जो है ना उन्हें इस चीज़ की एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल, आवर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, और हमारा जो MLA है ना उसे इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इन द नेक्स्ट पिक्चर, वट ए लाउड वॉइस ही हैज़, कि कितनी तेज़ आवाज़ है, कितनी अच्छी आवाज़ है इसकी, ही मस्ट बी ए लीडर ऑफ समथिंग, कि या तो ये कोई नेता होगा या कुछ और। एंड सेकेंड गर्ल्स आस्क, श आई सॉ हिम ऑन TV, कहती चुप करो मैंने ना इसको TV पे देखा है, ही इज़ ए मेम्बर ऑफ द अपोजिशन, ये कौन है, दूसरी पार्टी का एक नेता है, विरोधी पार्टी का एक नेता है, अपोजिशन का मेम्बर है ये। ओके स्टूडेंट्स, इन अवर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर, वी विल डिस्कस अबाउट हु इज एन MLA, MLA कौन होता है, हाउ ही इलेक्ट्स, कैसे चुना जाता है वो, एंड हाउ ही वर्क्स, क्या काम करता है, एंड व्हाट आर द हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थैंक यू।